नमस्कार दोस्तों, यादें बचपन की धारावाहिक की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस धारावाहिक के माध्यम से हम आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत और लगन से बहुत कुछ अचीव किया है, एक सोसाइटी में अपनी जगह बनाई है। हु आर डूअर्स एंड हु आर अचीवर्स। और जिस शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके लिए ये कहा जा सकता है कि नो प्रॉब्लम और एनी स्केस्टी कैन स्टॉप देम फ्रॉम अचीविंग देयर टारगेट। इस शख्सियत का जन्म हुआ गोवा में और 6 साल की आयु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। गोवा से पूरा परिवार बॉम्बे शिफ्ट कर गया। वहाँ एक चाल में रहे इनकी माता जी ने लोगों के घरों में काम करके अपनी जीविका कमाई और ये एक स्ट्रीट लैंप के नीचे अपनी पढ़ाई किया करते थे, लेकिन स्कूल में अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आते रहे। स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते थे, लोग इनके दोस्त पैसे इकट्ठा करके इनके स्कूल की फीस दिया करते थे। और ये शख्सियत ऐसी हैं, अगर इनके अचीवमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने लगूं तो शायद पूरे एपिसोड का समय सिर्फ अचीवमेंट्स को पढ़ने में चला जाएगा, लेकिन नटशेल में इनकी अचीवमेंट्स को मैं जरूर आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। इनके पास 20 ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं। 1991 में पद्मश्री और सन 2000 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 25 नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फेलो अथवा अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें 15 अवार्ड मिले अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और शांति सागर अवार्ड इन्हें 2 बार मिला, 1982 और सन 2003। और 15 अवार्ड मिले टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिसर्च, 7 अवार्ड मिले एक्सीलेंट लीडरशिप के लिए, 16 ऑल एक्सीलेंस अवार्ड मिले लाइफ टेक्निशियन के लिए, उनमें से स्टार ऑफ एशिया अवार्ड दिया गया बिजनेस यूएसए के द्वारा सन 2005। आप 11 भारतीय और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के विजिटिंग या ऑनरेरी प्रोफेसर। आप 18 हाई पावर कंपनियों के आप टेक्निकल असेसर के भोपाल गैस प्लांट के वन में प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज टास्क फोर्स के मेंबर थे सन 2000। आप प्राइम मिनिस्टर के साइंस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे 1988 से 90 तक और फिर 2004 से आज। आप 16 इंटरनेशनल बॉडीज के और आपके 236 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, 19 किताबें लिखी हैं आपने साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स पर और इनके 28 पेटेंट्स हैं। और इन सभी उपलब्धियों के साथ हल्दी और बासमती चावल को अमेरिका द्वारा पेटेंट करवा लिए जाने के बाद डॉक्टर साहब ने उसके डी पेटेंट करवाने की लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी प्राप्त करी। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो उन्हें लंबी आयु दे और एक स्वस्थ जीवन दे, ताकि वो भारत और मानवता के लिए, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति के लिए अपना योगदान दे पाए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। आइए, डॉक्टर साहब, यादें बचपन की कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कि आप हमें अपने बचपन की कोई ऐसी याद बताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हो। देखिए, मेरे पिताजी जब मैं 6 बरस का था तब चल बसे और मेरी माँ तो वैसे अनपढ़ थी, तो मेरी जो शिक्षा है वो बम्बई में हुई और ये मेरी माँ ने यहाँ वहाँ कुछ काम करके वगैरह मुझे बढ़ाया।
और मुझे अब तक याद है कि मैं बम्बई में एक म्यूनिसिपल जो स्कूल होती है महानगर पालिका की, वहाँ जाता था और मराठी में मेरी शिक्षा हुई। इतनी ख़राब परिस्थिति थी कि एक खाना दो दफ़ा दिन में मिलना मुश्किल हो जाता था। और मुझे अभी तक याद है कि जब तक मैं 12 बरस का था तब तक नंगे पाँव से चलता था। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आगे बढ़ा और मेरी पढ़ाई हुई, ये अब तक मुझे याद है। मराठी मीडियम से आपने किया? हाँ। और साइंस सब्जेक्ट रहा आपका? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप मराठी में करें हिंदी में करें, मैं समझता हूँ कि आप मातृभाषा में अपने पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पैसों की कमी है घर में, आज पैसा जबकि एक ज़रूरत बन चुका है, मतलब हम कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है और इतना कुछ होता है कि सब कुछ के बराबर होता है, उस समय जो स्ट्रेस लेवल था, जो बचपन में मुझे लगता है कि घर में बात हमेशा पैसे की होती होगी, शाम के खाने की बात होती होगी, मम्मी जाती होंगी, उस समय आपने अपनी पढ़ाई को उसी तरह से कैसे कंटिन्यू कर लिया? देखिए, मैं अब तक मेरा एक क्लास में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, फर्स्ट आने के कारण मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, अगर फर्स्ट नहीं आया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो इसलिए फर्स्ट आना एकदम मैंने ज़रूरी समझा था। तो थ्रू आउट मेरी लाइफ में एक जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं ना जी, कि हार्ड वर्क करना, स्टडी करना, ये बचपन से एक ये हुआ था। और मुझे एक पता था, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि तू आगे जा और सबसे बड़ी जितनी डिग्री होगी वो आप ले ले। तो मैं तो हमेशा ऐसे सोचता था कि ये तो अनपढ़ है लेकिन इसको ऐसी डिग्री की कैसे ये है। तो एक दिन उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था कि वो काम की खोज में बम्बई में एक कांग्रेस हाउस हुआ करता था, वहाँ गई थी और वहाँ वो पूरे दिन खड़ी थी और शाम को जब उसकी बारी आई तो उनको उन्होंने कहा कि आपको नौकरी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो थर्ड स्टैंडर्ड है। okay. और वो थर्ड स्टैंडर्ड नहीं थी। तो वो वापस आते वक्त उसने सोचा कि आज मुझे केवल मैं नहीं पढ़ी हूँ इसलिए आज मुझे ये नौकरी नहीं मिली, मेरे लड़के को, मेरे बच्चे को मैं इतना पढ़ाऊँगी कि सबसे ज़्यादा जो डिग्री हो, सबसे बढ़िया जो डिग्री हो, बड़ी डिग्री हो वो करेंगे। इसलिए जब मैं बैचलर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग हो गया तो उन्हें कहा आगे कुछ है, तो मैंने पीएचडी करी और पीएचडी करने के बाद मैंने उसको कहा कि बस अभी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहाँ से ढूंढ निकाला था पता नहीं है मुझे कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो एक जो एक मोटिवेशन होता है ना जी, वो मेरी माँ में भी था और मुझ में भी था। वो स्कॉलरशिप जो जिसकी आपने बात की, कितना था वो स्कॉलरशिप? देखिए, वैसे तो कुछ 20-21 रुपये थे जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग में आया तो मुझे अभी तक याद है कि पहले आने के कारण मुझे 30 रुपये मिला करते थे और सर दोराब टाटा स्कॉलरशिप 60 रुपये और सर कोटा इंडस्ट्रियल फेलोशिप जो थी, जो सबसे 6 बुनियादी लड़के हो पूरे भारत में इंजीनियर को मेडिसिन में, वो 120 रुपये, 120 रुपया, तो पूरा मिलकर 210 रुपये। okay. तो घर का खर्चा स्कॉलरशिप से चलता, स्कॉलरशिप से चलता था। तो स्टार्टिंग में जो आपका जो फोर्स रहा पीछे फर्स्ट आने का, क्या वो 20 रुपये था कि भाई अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो मैं 20 रुपये नहीं मिलेंगे, घर का खर्च नहीं चलेगा? हाँ, ये तो एक मोटिवेशन था, लेकिन ये भी था, एक तो मोटिवेशन ये था लेकिन एक क्या कहते हैं जिसको, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो कहते हैं ना हम लोग, वो शुरू से। हाँ, कि यू हैव टू बी फर्स्ट नॉट सेकंड, कहीं ना कहीं वो भी था दिमाग में कि मेरी मम्मी को नौकरी नहीं मिली, पढ़ी लिखी नहीं थी और मुझे कुछ करना है। और इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या कठिनाइयाँ हुई? नहीं, ये देखिए वो तो एक बात हुई, दूसरी बात ये थी कि जब मैं कॉलेज गया तो मुझे अच्छे टीचर्स तो मिले, लेकिन इसमें कठिनाई की बात नहीं, लेकिन एक मैं
आपको ये बात, क्योंकि यहाँ सब ये बच्चे हाजिर है, तो उनको, उनके लिए मैं एक कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पूछे कि स्कूल में आपके सबसे बढ़िया याद क्या है, क्या सबसे बढ़िया लेसन आपको मिला है, तो मैं कहूँगा कि ये है, और जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक गाइडिंग स्पिरिट था, ये ऐसा था कि जब मैं यूनियन हाई स्कूल में था तो उस हाई स्कूल में मुझे फिजिक्स सिखाया करते थे मेरे टीचर, उनका नाम था भावे सर। तो वो क्या करते थे कि केवल ये क्लासरूम में ये चॉक लेके बोर्ड पे लिखना वगैरह नहीं, वो हमें बाहर लेके जाते थे और कहते थे कि निसर्ग को देखो, नेचर को देखो वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की, वो क्या था कि आप लोग जानते होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसका फोकल लेंथ निकालना होता है, तो एक पीस ऑफ पेपर था हाथ में, तो बाहर लेके गए और सूरज चमक रहा था, तो वहाँ उन्होंने ऊपर नीचे किया तो एक स्पॉट आ गया, ब्राइट स्पॉट आ गया। तो ब्राइट स्पॉट जब आ गया तो उन्होंने कहा कि ये फोकल लेंथ है, हाँ, और बाद में उस लेंस को ऐसे पकड़ा उन्होंने तो ये कागज़ जल गया। जब जल गया तो मेरी ओर उन्होंने देखा और कहा, देखा मशेलकर, कि अगर आप, आपकी पूरी एनर्जी ऐसे फोकस करें तो आप कुछ भी जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप, आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो सब इकट्ठा लाके आप अगर उसको कॉन्सेंट्रेट करें तो आप अपने आप कुछ भी पा सकते हैं। तो मेरे लिए एक तो फिलॉसफी हुई और एक गाइडिंग स्पिरिट भी हुआ, और एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी हुई, और एक गाइडिंग स्पिरिट ये था कि फोकस एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। तो मेरी जिंदगी में मैंने ये देखा है कि अगर कोई काम करना है, अगर कोई मंजिल पे जाना है, तो उसके ऊपर आप फोकस करें और पूरी आपकी जो ऊर्जा है वो वहाँ लगाइए। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक लेसन था। वाकई वो टीचर बहुत महान थे, उनकी फिलॉसफी इतनी अच्छी थी और उनका समझाने का ढंग इतना अच्छा रहा, बहुत, जिन्होंने शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली होगी, आपके साथ और लोग भी रहे होंगे। तो लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि एक गवर्नमेंट स्कूल का माहौल, वहाँ का वातावरण और आपका IQ, क्या ये सब मैच करता था या कुछ प्रॉब्लम आती थी, आप सोचते थे नहीं कुछ नहीं? मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं कुछ हुआ। देखिए, जिस एनवायरनमेंट में मैं बड़ा हुआ वो एक अलग किस्म की एनवायरनमेंट थी। जब जहाँ हम रहते थे वहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, और हम लोग सब इकट्ठा आते थे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते थे। दूसरा ये था कि वहाँ एक माहौल था, जैसे कि लोकमान्य तिलक पुण्यतिथि हुआ करती थी तो उसमें कोई इलोक्यूशन कंपटीशन हो वक्तृत्व की, हाँ, तो वो वहाँ हुआ करती थी, तो वहाँ मैं। दूसरा ये था कि स्कूल में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बाकी सब, यानी कि मुझे अभी तक याद है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैंने ड्रामा लिखा है, हाँ, उसमें वो ड्रामा मैंने लिखा, उसमें काम भी मैंने किया, डायरेक्शन भी किया। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि वो डायरेक्शन करने में मैं इतना ये हुआ था कि बाद में स्टेज पे मैं मेरे डायलॉग ही भूल गया। सो फोकस। तो ये जिसको हम कहते हैं ना, जैसे कि ऑलराउंड एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, वैसे हमारे टीचर वैसे थे, केवल पढ़ाई के ऊपर ये नहीं कि ये कोई एक बड़ा सिटीजन हो जाए। दूसरी बात ये थी कि जब ये खास कहना चाहता हूँ कि जब हमारी SSC हुई, यानी कि 11वीं थी उस वक्त, 12वीं अभी जैसे होती है ना वैसे नहीं होती थी, तो पूरी महाराष्ट्र स्टेट में 1,35,000 स्टूडेंट्स में मेरी 11वीं रैंक आई थी। तो लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं तो कॉलेज नहीं जा पाऊँगा क्योंकि माँ कैसे करेगी। तो उस वक्त कहाँ कहाँ से मित्र आए और कोई जो 200 रुपये जहीन कॉलेज के लिए फी ये कि हाँ उन्होंने सबने इकट्ठा करके लाई, और उसके बाद में सर दोराब टाटा स्कॉलरशिप मुझे मिल गई। तो सर दोराब टाटा स्कॉलरशिप 60 रुपये महीना थी, तो वो 6 बरस मुझे मिली, तभी मैं सीख पाया। लेकिन इसमें यह है कि कैसे देखे पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। जब सर दोराब टाटा स्कॉलरशिप थी तो पहली बात तो ये थी कि मैं मराठी में पढ़ा था तो अंग्रेजी कुछ ठीक नहीं थी, तो उन्होंने एक ओल्ड पारसी लेडी थी, उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई, हाँ, ये दोराब।
दूसरे आप तो जानते होंगे जेआरडी टाटा कितनी बड़ी व्यक्ति है, तो मैं बचपन में उनको मिला हूँ। तीसरा वो क्या करते थे कि कोई ये हमें म्यूजियम्स में ले जाते थे, अपना हेरिटेज क्या है, अपना कल्चर क्या है, ये भारत क्या है, ये दिखाते थे। तो मैं तो खुद को बहुत ये समझता हूँ, लेकिन समझता हूँ कि मुझे ऐसे ये मिले, टीचर्स मिले और ऐसा एक माहौल उस वक्त मिला। तो वैसे ही मैं बैचलर डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग बीके में यूनिवर्सिटी में मेरी हो गई, और उसके बाद में मैं तो पहले आया था तो मुझे बहुत स्कॉलरशिप्स मिल गई थी अमेरिका में वगैरह वगैरह, तो पीयर प्रेशर इतना था कि सब चले जाते थे जैसे कि अब जाते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों जाऊं मैं वहाँ, मुझे प्रोफेसर मनमोहन शर्मा मिले, वो कैम्ब्रिज से आए थे, मैंने उनकी ओर देखा और कहा कि इससे बड़े गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। तो सारे लोग तो बाकी तो चले गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पीएचडी करूंगा, और वही पीएचडी मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की। और शायद तीन साल में, बहुत कम और तीन साल में 1966 में, हाँ वो तो रिकॉर्ड है, तीन साल में मैंने कर दी। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रवेश शर्मा फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बन गए, FRS। आपको तो पता होगा कि विज्ञान में सबसे बड़ा प्राइज तो नोबेल प्राइज होता है, उसके बाद में दो ऑनर्स होते हैं, एक फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी और दूसरा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अमेरिका का, उसके बाद में तो मुझे दोनों मिल गए हैं। तो FRS की बात यह होती है कि रॉयल सोसाइटी जो है ये बहुत पुरानी है, 1668 में उसका ये हुआ था, और ये बड़े जो आपको पता है ना वैज्ञानिक, जैसे कि न्यूटन हो, बॉयल हो वगैरह वगैरह, ऐसे ये सब उसके फेलोज रह चुके हैं। तो एक ये होता है, खास ये चीज़ होती है कि जब आपको वो इंडक्ट करते हैं तो लंदन में एक सेरेमनी होता है, और उस सेरेमनी में 1668 से उन्होंने एक किताब रखी हुई है, और जो सब फेलोज हैं ना उनकी सिग्नेचर उसमें है। तो हमें चांस मिलता है कि वो कहते हैं कि कोई भी किसी की भी आप सिग्नेचर देख ले, वो आइंस्टीन हो या कोई भी, तो सब लोग न्यूटन की सिग्नेचर देखना चाहते हैं। और ये पेज नंबर 9 पे है, उसको उन्होंने लैमिनेट किया है। तो वो उसी बुक में मैंने सिग्नेचर किया, और उसी बुक में प्रोफेसर शर्मा ने भी सिग्नेचर किया है, ये गुरु है। तो हम इतिहास में ऐसे एक अलग से ये है कि गुरु भी FRS हो गए और शिष्य भी FRS हो गया, मैं बहुत मानता हूँ उनको। मैं अभी तक की बातों से ये समझा कि अगर इरादा पक्का हो तो लोग भी जुड़ जाते हैं, हाँ, और समस्याओं का समाधान भी हो जाता है, रास्ते बनते चले जाते हैं। एकदम इरादा पक्का होना चाहिए, एकदम। और जो फिलॉसफी आपने अपनाई, आपके गुरु ने आपको दी, शायद वही प्रेरणा स्रोत भी रहे आपके, या कोई और भी ऐसे व्यक्तित्व हैं आपके जीवन में जो? नहीं, वैसे तो बहुत है, जैसे कि प्रोफेसर शर्मा है, प्रोफेसर सिन्हा राव है, तो यानी कि देखिए मैंने तो देखा कि जरा मेरा लाइफ तो लोग डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज़ 24/7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन काम करना, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, अब तक जब तक हो सके तब तक, यानी कि हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट। यही मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा हमारे यूथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्कूल की बात की आपने, आपने कहा कि आप ड्रामा भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे, और पढ़ाई में भी अव्वल आते थे, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, और आज भी 24/7 अभी भी समय कम लगता है आपको, या कैसे मैनेज करते हैं? वैसे तो मैं तो बिजी रहता हूँ, आपको जैसे पता है जी कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च है, उसकी 38 प्रयोगशालाएँ हैं, 38, तो कोई 20,000 लोग हैं, उसका काम देखना पड़ता है मुझे। बाद में मैं अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी भी हूँ, जैसे कि रॉयल सोसाइटी है ना लंदन में, वैसे यहाँ हूँ। आज तो पूरी दिन उसकी भी मीटिंग चलती थी, और आपने तो बहुत सारी मशेलकर कमेटी के रिपोर्ट्स भी आपने पढ़े होंगे, नेशनल ऑटोमोबाइल पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो मैंने एक देखा है कि पहली बात मैंने ये देखी है कि जब कोई आप काम करते हैं ना, तो दूसरा विचार कोई नहीं लाए, जिसको हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं ना, अभी ये काम करना है तो बस उसी के ऊपर, तो मैं तो कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप वक्त का उपयोग कैसे करें, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ सुबह, अभी मॉर्निंग वॉक में जाते हैं आप तो 30 मिनट आप किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, फाइलों के बारे में सोच सकते हैं। मैं तो अभी तक ये करता हूँ, रिसर्च करता हूँ,
तो मैं रिसर्च के बारे में, मेरे अभी तक स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ, क्योंकि आपके मन में विचार क्या है, व्हाट विल ऑक्यूपाई योर माइंड स्पेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. तो एवरी मोमेंट इन लाइफ इज प्रेशियस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. तो टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है. नहीं बिल्कुल. अभी हम डॉक्टर रघुनाथ आनंद माशेलकर जी से ये जानना चाहेंगे, हमारा यूथ ये जानना चाहेगा कि ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं जिसे डेवलप करें ताकि वो भी सक्सेस हों, अपने गोल्स को अचीव कर सकें. एक दो आपने बताई, फोकस्ड होना ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, और कुछ? देखिए, फिजिकल फिटनेस या ऐसी कुछ चीज़ें? हाँ वो तो है. देखिए ये तो ऑब्वियस है, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ. एक तो मैंने हार्डवर्क की बात की, 24/7, ये बहुत महत्वपूर्ण है. फोकस की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तीसरी बात ये है कि जिसको हम स्ट्रेच्ड गोल्स कहते हैं. देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ तो एवरेस्ट पे पहुँचेंगे. ये जो जिसको हम अनअचीवेबल गोल कहते हैं ना, वैसा गोल रखना चाहिए हमेशा. अचीवेबल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जितने आप ये करें. और मैंने ये देखा है, इंस्टीट्यूशन, जब मैं लीडर था, CSR का हो, नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी का हो, मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ. देखिए, मैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है, नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी, वहाँ डायरेक्टर था. तो वहाँ क्या था उस ज़माने में, जब 1989 में मैं डायरेक्टर बना, तो मैंने देखा कि हम सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते थे और कोई नया रिसर्च नहीं करते थे, कॉपी करते थे. कोई भी प्रोडक्ट हो उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करें, वही करते थे. तो मैंने लेबॉरेटरी को गोल दिया कि हम नेशनल केमिकल लेबॉरेटरी नहीं रहेंगे, हम इंटरनेशनल केमिकल लेबॉरेटरी बनेंगे. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि विदेशों से ये आता है, ज्ञान आता है, उसको हम कॉपी करते हैं, नहीं. हम यहाँ नया ज्ञान ऐसा पैदा करेंगे कि जो हम लोग अमरीका में और यूरोप में ये करेंगे. तो लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास तो उस वक्त पैटर्न की भी बात नहीं थी. तो ये हमने दिखाया, करके दिखाया. उसके बाद में ये 1989 में कहा, और 1990 में मुझे अभी तक याद है कि हाइड्रोडीवैक्सिंग कैटलिस्ट, जो एक्जो नाम की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनको हमने एक्सपोर्ट किया. करके दिखाया कि हम भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अभी देखिए, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी है, यानी कि $135 बिलियन, $135 बिलियन की, $1 बिलियन यानी कि 5,000 करोड़ होते हैं, यानी कि कितनी बड़ी है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, तो भारत से बड़ा है, कई गुना बड़ा है एक कंपनी का. तो हम लोगों ने उनको ज्ञान एक्सपोर्ट किया, पॉलीकार्बोनेट नो हाउ का. क्योंकि उस वक्त मैंने लोगों से ये कहा कि इट इज नॉट द साइज ऑफ द बजट, इट द साइज ऑफ द आइडिया दैट मैटर. यस. और देखिए, ये मैं हमेशा कहना चाहता हूँ आपसे, जब मुझे अभी तक याद है, अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी बात हुई थी, जब सैंक्शन आए थे ना 11 में, अपना न्यूक्लियर ये होने के बाद. सो आई टोल्ड हिम, सर लेट देम पुट सैंक्शंस, बट दे कांट पुट सैंक्शन ऑन आवर माइंड, एंड एज लॉन्ग एज वी कांट पुट सैंक्शन ऑन आवर माइंड, नोबडी कैन डू एनीथिंग. क्योंकि यू नो, जिसको हम कहते हैं ना कि हाइट ऑफ इमेजिनेशन, आप फ्लाई करते हैं तो उसके ऊपर तो कोई फ्यूल का लिमिट नहीं होता. देयर इज नो लिमिट टू डिस्टेंस दैट यू कैन लैंड टू, कितने लंबे जा सकते हैं, है ना? ये कौन लिमिट डालता है? हम ही डालते हैं ना. बिल्कुल. तो ये लिमिट्स नहीं होने चाहिए. तो स्ट्रेच गोल मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है. ये 3-4 चीज़ें मैंने देखी है. और मैंने देखा है कि अगर आप लोगों को स्ट्रेच गोल दें ना, मैंने CSR में भी मैंने देखा है, अभी बहुत फर्क पड़ता है, जाते हैं लोग, जाते हैं वहाँ. सर, यहाँ यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे ये शेयर करना चाहूँगा कि सर ने इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतना कुछ आपने किया है, कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक बुक हैं, नहीं, आप एक लाइब्रेरी हैं, आप एक सेंटर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन हैं, और निश्चित रूप से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ. कहा जाता है कि मुश्किल हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती, अपना रूप बदलती रहती हैं. बचपन में आपने बहुत कुछ झेला, आप आज जिस पोजीशन पे हैं, आज भी कुछ मुश्किलें आती होंगी, और कैसे कोप अप करते हैं? वो तो होती है. जैसे कि मिसेस इंदिरा गांधी कहा करती थी कि बैड डे फॉर मी इज़ वन वेर देर आर 19 प्रॉब्लम्स इन अ डे, गुड डे फॉर मी इज़ वन वेर देर आर ओनली 11 प्रॉब्लम्स.
सो देयर इज नॉट अ डे व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम. तो वैसे तो सबको ये होते हैं, और वो उसका तो हल करना होता है एक कॉन्टेक्स्ट में लेके. उसे ये नहीं होना चाहिए, फोर्स आता है कहीं से, मेडिटेशन एंड थॉट और सब कुछ. चलिए कि अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपसे जो ये अचीवमेंट्स होती हैं हमारी लाइफ की, इसमें लक कितना पार्ट प्ले करता है? बहुत ये प्ले करता है. इज इट लक और प्लक? नहीं, लक तो होना चाहिए. देखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना, मुझे ऐसे गुरु मिल गए, ये वो हुए, तो ये तो होता है. एक दफ़ा मुझे याद है, सुनील गावस्कर और मैं और नंदू नाटेकर जो बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे ना, तो वो हम लोग डिनर ले रहे थे, कुछ 5-6 बरस पहले की बात है. तो आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ में पहली सीरीज में उसने 774 रन्स बनाए थे, 774 रन. हाँ, सुनील गावस्कर ने, 21 बरस का था वो बिल्कुल उस वक्त, और 200-200 रन बनाए थे. तो उस वक्त उसने कहा लक का क्या रोल होता है, कि उन्होंने कहा कि वो जयंती लाल के साथ ओपनिंग कर रहे थे, सुनील गावस्कर ने एकदम सिंपल कैच दिया और वो 100 ओवर्स ने ड्रॉप किया, दूसरा दिया वो भी ड्रॉप किया, वो भी ड्रॉप किया, और जयंती लाल ने इतना डिफिकल्ट कैच दिया कि कुछ पूछे मत, और 100 ओवर्स तो लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंड पे था, और वो 1 सेंटीमीटर पे पिकअप किया. तो कहा कि ये तो लक होता है, बट डोंट फॉरगेट लक फेवर्स द ब्रेव. तो ये होना चाहिए. मैंने भी यही सुना है कि किसी का एक बहुत अच्छा कोट था कि मेरा लक बहुत अच्छा है, जितना मैं हार्डवर्क करता हूँ लक उतना मेरा साथ देता है. एकदम. तो ये एक अच्छी बात थी. दोस्तों, डॉक्टर माशेलकर के साथ चल रही इस बातचीत को रोकने का मन तो नहीं करता, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे चलाएं. लेकिन हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि अगले एपिसोड में इस चर्चा को हम जारी रखेंगे. धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.